ये मंदिर प्रतिमाएं ऊपर बनी हुई हैं। ये पत्थर जो है कि प्रतिमा मिली है मेरे को, वो है जी ये देखे गणेश भगवान की है। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है न्यू ब्लॉग में, मैं हूँ मक्खन राम जयपाल। तो दोस्तों बाय मोटरसाइकिल अभी हम पहुँच चुके हैं नगर पार्कर के एरिया में, और यहाँ पे जो आज हम विद साजन चौहान के दिखाने वाले हैं वो है जैन टेंपल। वो सामने रहा, दूर ऐसे करिएगा, और ये लिखा हुआ है वीरावाह जैन टेंपल। मैं करीब नहीं जा रहा, टाइम की किल्लत है, हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। तो चलते हैं यहाँ से, आपको टेंपल दिखाते हैं। जैन टेंपल बहुत पुराना है, ऐसे समझे कि ये क्लच भी टूट चुका है, ऐसे धिक्का लगा के ऊपर बैठते हैं हम। धिक्का लगा, आ जाओ चलें। चलो ओ ओ ओ वेरी बैड, चलो एक मिनट रेड के कर लेता हूँ भाई, संभाल के। एक तो बाइक हमारा वैसा है और रास्ता ऊपर से जैसे घूमता ऐसा है, तो यहाँ से आप तो लगा ले, ये पहुँचने वाले हैं यहाँ पे। ये देखें बाइक को, ऐसे बाइक को दिखा, हैंडल कैसे हो रहा है देख, ये देखो ये रेत। राम 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 राम, बंद हो गया भाई, ये नहीं जाएगा मोटरसाइकिल, उसने स्विच कहा था। चलो इधर ही खड़ी कर देते हैं, स्विच कहा था, वो आगे लेकर आओ ना थोड़ा सा, मैं धक्का लगाता हूँ एक मिनट। नहीं धक्का नहीं लगाना, बस आप ऐसे मेरी भी वो गियर में आ ले कि चल तो नहीं जी। दोस्तों यहाँ पर देखें मक्खन भाई, तो मक्खन भाई जो है लेकर जा रहे हैं, ये हमारे मक्खन राम। तो मक्खन राम बाइक को लेकर जा रहा है, और सामने ही मंदिर है, आपको दिखा देते हैं चलकर आगे। भाई इस बाइक की मेहरबानी है, और भंवरा देखो भंवरा, उस बंदे की भी मेहरबानी है जिसने हमें ये बाइक दी और यहाँ तक हम आ रहे हैं, वरना यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आती। बड़ी मंदिर दिखाते हैं, क्या हम मंदिर पे पहुँच चुके हैं, ये देखें ये सामने रहा जैन टेंपल, और मक्खन भाई जो हैं वो आगे आगे जा रहे हैं, और यहाँ पर साइन बोर्ड फिर से लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी यानी कि साइन बोर्ड एक लगा हुआ है, ये देखें वीरावाह जैन टेंपल यानी कि जैन मंदिर। तो आपको लेकर चलते हैं, और ये देखो भाई करते हैं इधर से हम अंदर दाखिल होने से पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। और ये जो पिलर दिखाई दे रहा है आपको, ये आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि कितना पुराना है। लाल पत्थर से बनाया गया है भाई, ये जो जोधपुर में मिलता है ना पत्थर, ये जोधपुर वो गुजरात बता रहा था। नहीं नहीं वो और मंदिर था ना, ये देखो ये लाल पत्थर है, तो जस्ट पत्थर था, यहाँ से एंट्री है। तो यहाँ से चलते हैं अंदर, जूते वूते उतार दो, उतार दो जूते, उतार दे देंगे ना, इधर ही उतार दो भाई, इधर उतार दो। हाँ टेम्पल है हमारा, तो आए चलते हैं दिखाते हैं। बहुत विशाल मंदिर है ये, और इसके अंदर यहाँ से एंट्री रही, आगे अगेन से चश्मा उतार दूँ, अभी रेत पड़ रही थी पहले। तो ये देखें ये भी पुराने दौर की, उसी वक्त की मौजूद है, देखें ये देखें जी, ये एंट्रेंस मंदिर की रही, ऊपर प्रतिमाएं भी हैं लेकिन। तो दोस्तों अभी दिखाने वाले हैं आपको मंदिर का अंदर से व्यू, यहाँ से देखें इंटरेस्ट हो गई, प्रतिमाएं भी ऊपर मौजूद हैं, मज़ीद जो अंदर की प्रतिमाएं हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे। आप कमेंट में लाजमी बताइएगा, वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा, और बताइएगा कि ये मंदिर कितना पुराना है। यहाँ पे कोई बैठा हुआ भी नहीं है जो हमें नॉलेज बताए कि कितना पुराना मंदिर है, ऊपर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इसके अंदर का व्यू दिखाते हैं, बनाने वाले ने भी क्या कारीगरी की है, क्या कमाल की कारीगरी की है, ये देखें प्रतिमाएं इनमें भी मौजूद हैं। तो अभी चलते हैं अंदर, कुछ और प्रतिमाएं भी पड़ी हैं अंदर, क्या करना है नहीं, वो वेस्प होते हैं, वेस्प वो डेंगू जिसको बोलते हैं ना, पूंडी पंजाबी में बोलते हैं, तो इसके अंदर पूंडियाँ बैठी हैं, अगर पूंडियाँ देखनी है तो भाई पूंडियाँ ये देखें, पूंडियाँ तैयार है, बस पंच कोई बाना। यहाँ से हम देखते हैं कि ये हैं प्रतिमाएं जो यहाँ इस मंदिर में पाई गई, इसमें आपने बताना है कि ये कौन सी प्रतिमाएं हैं, कौन से देवता की मूर्तियां हैं। ये काफी पुरानी प्रतिमाएं पड़ी हैं यहाँ पर, ये देखें आप बताइएगा कौन सी है। और यहाँ पर ये जो पीली मक्खियां, ये देखो भाई ये डंक मारने वाली होती है, इन पे डंक लगता है तो फिर बस वो जगह सूख जाती है। ऊपर भी दोस्तों और इसके पीछे कुछ है, कुछ मतलब क्या है,
हाँ मैंने देखा है शाम को, कह रहा है एक मिनट इसके पीछे। हाँ इसके पीछे मकसद कैसे है? देखो सांप है कोई, पता नहीं क्या है, ऐसे ही करना। तो अभी जो है हम कुछ प्रतिमा इसमें भी बनी हुई थी जो है निकाल ली गई है। जैसे चुटकी निकली ना तो मैं और मकर भी डर गए। मैं तो कुछ ज्यादा ये से ये डरा, फिर उससे ज्यादा फिर मैं डर गया। पहले आप नहीं डरे, आप खेल रहे थे ऐसे। चलो दोनों डरे हैं भाई, दोनों मैं भी डरा हूँ, मामा डर गया। अभी इस ओर जा रहे हैं क्योंकि ये मंदिर बंद पड़ा है। यहाँ पे हिंदू भी बहुत संख्या में हैं लेकिन यहाँ पे आते नहीं हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। आबाद करें इन मंदिरों को, इसमें आए इधर इधर संख्या में जो है 80+ जो है हिंदू रहते हैं। 10,000 जो है घर हिंदुओं के हैं, वो मंठार जा रही है देख रहे हैं, वो सारी की सारी भरी हुई है ऐसे के ऐसे टोले के टोले यहाँ पे जो है ना हिंदुओं के हैं। लेकिन ये देखें ऐसा मंदिर है ऊपर तक, ये दो के वो तक सारा का सारा जो है। तो कमेंट में बताइएगा ये जैन टेंपल है या कुछ और टेंपल है। जो जो देख रहा है वो मुझे कमेंट में बताए कि ये कौन सा टेंपल है। हम तो जस्ट इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि जस्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ने जैसे बोर्ड लगा दिया कि जैन टेंपल है। अगर देखा जाए तो ऊपर भी वो प्रतिमा बनी हुई है। मेरा कैमरा खराब हो गया है जो जूम नहीं करता। ये एक प्रतिमा बनी हुई है आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दो बनी हुई है, बल्कि एक ऊपर ऊपर है, एक उससे नीचे भी है, दो बनी है। देखो मोबाइल खराब हो गया है आईफोन। तो दो प्रतिमा बनी हुई हैं और जैसे मक्खन भाई ने कहा कि अगर आपको पता है तो इसके बारे में जरूर बताइएगा कि क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जैन टेंपल है, बाकी कंफर्म नहीं है। हम आपको आ जाओ, बेर भी खाते हैं इस मंदिर के यार, आ जाओ बेर वगैरह भी हैं। जूता मैंने उधर उतार दिया, अभी मेरे को कांटे भी चुभेंगे। तो यहाँ के जो स्वीट बेरी है, यहाँ पर बेर लगे हुए हैं। ये तो कानो है, बेर कानो है अभी, और खराब बेर है जिसे खराब कहा जाता है ना, जिसको कीड़ा लगा होता है। हाँ? खट्टा है, हाँ। खाने की जरूरत क्या? दोस्तों ये है, वो ऊपर तक प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये खुद जूम करके देख लीजिएगा, मैं जूमिंग करता हूँ तो कुछ रिजल्ट खराब हो रहा है, पता नहीं ऐसे अपडेट हो जाता है, मोबाइल खराब हो चुका है, समथिंग इज रॉन्ग इन माय सेल। एडिटिंग टाइम जूम कर दिखा रहे हैं। तो अभी तो दोस्तों अभी सामने चलते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे आपको कमरे नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे बिल्कुल से, तो इस तरफ चलते हैं आपको दिखा। ये देखें जी, ये जूती हम उधर बाहर उतार रहे हैं, अभी कांटों के अंदर चलना भी मुश्किल है। ये पत्थर वगैरह देख रहे हैं, ये जो प्रतिमाएं वहां भी बनी हुई हैं, ये सारी इस मंदिर से रिलेटेड हैं और यहाँ पे पाई गई हैं। बहुत मुश्किल है, ये देखें, राम का नाम लेना तो ईजी है पर कांटों में चलना मुश्किल है। यहाँ से चलो छोड़ें गपशप को, यहाँ पे आप देखें ये प्रतिमाएं ऊपर बनी हुई हैं, ये पत्थर जो है कितनों साल पुराना है और कहाँ से लाया गया और बनाने वाले कहाँ गए, ये आप कमेंट में बताएं। ये देखें प्रतिमाएं और ये देखें, और कुछ प्रतिमा जो है कुछ मूर्त इस पत्थर पे भी बनाई गई है। दोस्तों देखें, अभी जो है इस ओर फिर अगेन से मैं इधर आ गया हूँ। ये पत्थर चेक करें, ये गुजरात वाली साइड से, जोधपुर वाली साइड से ये पत्थर लाया गया था। जस्ट इतना इमेजिन है, ये सारा का सारा ये भी पत्थर है, हाथियों पे लाया गया होगा। ये देखें, ये भी प्रतिमा है कुछ, और ये पत्थर देख ले, ये भी बड़े बड़े पत्थर हैं और इसको अगेन से सीमर किया गया है। पहले ये ओनली पत्थर ही थे बचाने के लिए, और वो रहा मंदिर। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना भूल गया, तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई भी इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में जानता है तो मुझे कमेंट करें या मेरे से रابطہ करने की कोशिश करें, मुझे हिस्ट्री बताएं, ताकि जो है हम इसकी हिस्ट्री के ऊपर कोई व्लॉग बनाएं, ताकि दुनिया जान सके कि ये कितना पुराना मंदिर है हिंदू धर्म का। और इस तरफ देखें, ये देखें, ये प्रतिमाएं देखें आप, टूट फूट का शिकार हो गई, कैसे हुई, क्या वजह बनी, ये कौन बताएगा, ये जानने के लिए हम हैं बेताब। ये देखें दोस्तों, ये पत्थर, ये सब कुछ ये गवर्नमेंट ने अभी जो है ना ढांप ढांप के रखे हैं, ऐसा ये हिस्ट्रिकल प्लेस है इस वजह से कि ये बारिश की वजह से गल ना जाए। ये पत्थर आई थिंक गलने वाले हैं, गलने वाले तो नहीं है शायद। ये अभी जो प्रतिमा मिली है मेरे को वो है जी, ये देखें गणेश भगवान की है,
वो पिछले मंदिर, वो जैन मंदिर जो मैंने दिखाया था, उसमें भी जे जी श्री गणेश भगवान की मूर्त थी, और इसमें भी ये आप गौर से देखें, ये देखें यहाँ से ये श्री गणेश भगवान की प्रतिमा है, और उसके बाद ये देखें ये प्रतिमा है कुछ इस ओर, और इसमें ये भी प्रतिमा है, ये भी मूर्त है, इस मूर्त का नहीं पता चल रहा कौन सी है, और ये देखें ये रही। तो इस तरफ बाकी ऐसा है, जंगल है, तो ये देखें ये देखें। तो अभी हम यहाँ से जाने लगे हैं वापस, और पाँव में देखें ये देखें कोई इशू नहीं है, जय श्री राम, चल रहे हैं इन पत्थरों के ऊपर, ये देखें जूता उतारा है वहाँ पे बाहर, और ये मंदिर तो इसके पीछे से इस तरह है, वो ऊपर तक और उससे ऊपर तक, और अभी यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों कहाँ गए इसको बनाने वाले, कितनी मेहनत से बनाया होगा इसको। अगेन आए, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ मंदिर के अंदर, ये देखें कुछ इस तरह का, ये देखें नक्शा है, और इधर से भी इस तरह का है। ये प्रतिमाएं दोस्तों, ये देखें प्रतिमाएं जो हैं डिस्ट्रॉयड, ये टूट चुकी है, इधर से ये भी टूट चुकी है, दोनों टूट चुकी हैं। ऐसे कर मनु दोस्तों, राम राम। तो इस व्लॉग का दोस्तों यहाँ पे करते हैं एंड, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा ये मंदिर कैसा लगा और क्या फीलिंग रही आपके अंदर ये इतना पुराना मंदिर देख के। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हमें सपोर्ट कर दीजिएगा, धन्यवाद, जय श्री राम।